गाइस वेलकम टू द चैनल द सनब्लेस। और आज मैं आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं जो है मंथली प्रेडिक्शन सितंबर मंथ के लिए। सो अगर आप एक टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉन है तो आप मंथली प्रेडिक्शन देख सकते हैं कि जो सितंबर मंथ है वो टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉन के लिए कैसे रहने वाला है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैरो रिलेशनशिप से हम देखेंगे कैसे रहने वाले हैं। एंड जनरली गाइस तो किस जनरल तरीके से देखिए, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप इस रीडिंग को देखिए एंड लाइक कर ले कीजिए, सब्सक्राइब कर ले कीजिए इस चैनल को अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, सो डेट आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहे टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉरस। अगर आप एक टॉरस है तो रीडिंग को देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, वीनस साइन किसी भी साइन से देख सकते हैं। ओके, सो द लवर्स के कार्ड की एनर्जी है वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, मुझे स्टार्टिंग में ही मिल गई है टॉरस आपके लिए। अगर मैं बात करूँ तो ये रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे मिलती दिखाई दे रही है। गॉड का ब्लेस मिल रहा है, आपके पर्सन की तरफ से जो फीलिंग है वो साफ साफ इस लवर्स के कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे बयां हो रही है। यानी कि जो लवर्स का कार्ड है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बताया है कितने ज़्यादा आपकी जो पर्सन है उनकी जो आपके लिए फीलिंग है कितनी ज़्यादा प्योर है, कितनी ज़्यादा ट्रूथ है। कि गॉड का ब्लेस इस मंथ पे मुझे आपके रिलेशनशिप के लिए सबसे पहला कार्ड मिल चुका है, यानी कि आपकी रिलेशनशिप के लिए हम बाकी के कार्ड्स लेंगे। ओके, द नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, इट्स फाइव ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स एंड द फोर ऑफ पेंटिकल्स। सो सबसे पहले अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ, द लवर्स का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है, गॉड का ब्लेस है। एंड जो सेकंड एनर्जीज मुझे आपकी रिलेशनशिप के लिए मिल रही है टॉरस को नाइट ऑफ कप्स की है, यानी कि कोई तो ऐसा पर्सन है जो इस मंथ में आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है, कोई ना कोई पर्सन तो ऐसा है टॉरस जो आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है इस मंथ में। बहुत ही ज़्यादा वो एकदम रेडी है अपने कमिटमेंट के साथ आपके साथ, काफ़ी ज़्यादा वो मुझे प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक प्लानिंग में है, डिसीजन ले चुके हैं, एक्शन ले चुके हैं कि उन्हें आपकी लाइफ में आना है। हो सकता है काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपको जानते हैं, फिर हो सकता है आप लोग न्यूली मीट करो एक दूसरे से। सेप्टेम्बर मंथ के स्टार्टिंग में मुझे ऐसी फीलिंग मिल रही है एम्प्रेस की कार्ड की एनर्जी, यानी कि रिलेशनशिप की तरफ से अगर मैं आपकी एनर्जी को देखती हूँ सेप्टेम्बर मंथ की टॉरस, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लविंग एंड केयरिंग एनर्जी आ रही है। यानी कि आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है वो इस मंथ काफ़ी मुझे इसमें ग्रोथ की एनर्जी मिल रही है एम्प्रेस का कार्ड, यानी कि ग्रोथ कि मुझे एनर्जी मिल रही है, प्रोग्रेसिव एनर्जी मिल रही है, कोई अच्छी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड टॉरस इन दिस मंथ। या फिर हो सकता है आप और आपके पर्सन कोई अच्छी हैप्पी मोमेंट्स इस मंथ में स्पेंड करो। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस था आपका इस रिलेशनशिप में तो वो भी मुझे इस मंथ में क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप मुझे अपने कैरियर के लिए अगर स्टेडिंग को आप देख रहे हो तो इस मंथ मुझे आप कोई प्लानिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हो अपने कैरियर से रिगार्डिंग। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड की एनर्जी, यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने पास्ट के रिजल्ट को भी मुझे देखते हैं, मैं देख सकती हूँ सिचुएशन को, अपने पास्ट के रिजल्ट को नज़र में रखते हो आप, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग मुझे अपने कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी ज़्यादा आप मैच्योरिटी के साथ एक चीज़ को आप डील कर रहे हो अपने कैरियर के लिए, प्लानिंग्स बना रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, बार बार सोच रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप गंभीर हो अपने कैरियर को लेके। और वहीं पे मुझे आपके कैरियर में कुछ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है सेप्टेम्बर मंथ में टॉरस। एंड हो सकता है आपको समटाइम्स ऐसा फील हो कि आपको एक लो फीलिंग आ सकती है अपने कैरियर को लेके, बट आपको बिल्कुल भी लो फीलिंग नहीं आनी है, आपको उस लो फीलिंग को साइड में रख के आपको अपना वर्क करना है, अपना कर्मा करना है एंड अपने जो फ्रूटफुल रिजल्ट है जो सेप्टेम्बर मंथ के एंड में आपका इंतजार कर रहा है आपको उसको ग्रैब करना है। सो बी रेडी फॉर द सेप्टेम्बर मंथ टॉरस। अब हम बात करेंगे वर्गो के लिए। अब सो अगर आप एक वर्गो हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि जो सेप्टेम्बर मंथ है वर्गो आपके लिए कैसे रहने वाला है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैरियर रिलेशनशिप। एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड लेट्स सी द रीडिंग फॉर द वर्गो। जनरल रीडिंग है तो किस जनरल तरीके से ही देखिए, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो ही आप इस रीडिंग को देखिए। ओके, सो आई एम गेटिंग द एनर्जीज फॉर यू वर्गो। इतने ही कार्ड्स लेंगे हम वर्गो के लिए कि वर्गो जो सेप्टेम्बर मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा पास्ट की किसी चीज़ के बारे में मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वो बात करूँ मैं आपके कैरियर की या फिर बात करूँ आपके रिलेशनशिप की, तो आप पास्ट में कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप बार बार देख रहे हो, समझ रहे हो, परेशान हो रहे हो। सो मैं कहूँगी कि आपको इस मंथ में स्टार्टिंग से ही पेशेंस बनाने की जरूरत है। अगर पास्ट में आपका कोई भी ऐसा रिजल्ट रहा है कैरियर में जिसके लिए आप परेशान हो रहे हो, फिर आपकी रिलेशनशिप में पास्ट में कोई डिस्टर्बेंस चल रहा था जिस वजह से आप परेशान अगर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो डे एंड नाइट में, तो मैं कहूँगी ऐसा करने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है, आपको अपने आसपास एक पॉजिटिव वाइब को मेंटेन करने की ज़रूरत है एंड
आप बिलीव कीजिए ये सब वैसे कार्ड की एनर्जी है इस मंथ में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए वेट कर रही हैं, ग्रोथ देने वाला ये जो मंथ है मुझे नज़र आ रहा है टॉरस आपके लिए, कैप्रिकॉन आपके लिए। सो वर्गो, ऐसा हो सकता है कि इस मंथ के मिड में आपको किसी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने का कोई मौका मिले, या फिर आप किसी भी तरीके से मुझे सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हो इस मंथ के बीच में। और अगर आपकी रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा मुझे टेन ऑफ सोर्ड्स एंड इट्स एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में दिखाई दे रही है, यानी कि वो भी काफ़ी ज़्यादा आप देखो तो एनर्जी मुझे इनके प्रॉब्लम्स में फंसे हुए होने की आ रही है, यानी कि वो भी अपने आसपास काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव वाइब्स को महसूस कर रहे हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा अपने को प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, परेशान बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके जो पर्सन है इस वक्त मैं आपकी काफ़ी ज़्यादा आपको मैं कहूँगी वैल्यू दे रहे हैं, आपकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, ऐसी पता नहीं क्या बात है जिसके बारे में आपके जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं और सोच सोच के आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, वो भी आपकी तरह बिल्कुल सेम एनर्जी आ रही है इस मत में आपके आपके पर्सन की, यानी कि वो भी आप ही की तरह पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो आपकी रिलेशनशिप में भी ऐसा हो सकता है कोई अच्छा रिजल्ट जो है इस मंथ के एंड में वेट कर रहा है, सो बी पेशेंस, वेट फॉर द राइट टाइम एंड लेट्स सी फॉर द कैप्रिकॉन। सो स्टैम्प फॉर द कैप्रिकॉन, अगर आप एक कैप्रिकॉन है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं एंड जनरली गाइस प्लीज आप इसे जनरल तरीके से ही देखिए कि जो आपका कैरियर है सेप्टेम्बर मंथ आपका फ्रॉम ऑल द वेज ऑल द एक्सपेक्ट से आपका कैसे जाने वाला है कैप्रिकॉन, एंड गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप टाइम स्टैम्प देखना चाहते हैं, डायरेक्टली अपनी रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके द टेम्परेंस, फोर ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड द फाइव ऑफ कप्स। ओके सो कैप्रिकॉर्न, आपकी अगर मैं कैरियर की बात करूँ तो मुझे उसमें काफ़ी अच्छी एनर्जी मिल रही है, स्टार्टिंग में ही काफ़ी सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो आपका वेट कर रही है आपकी तरफ, कुछ से जिस मंथ में अपॉर्चुनिटीज़ है वो चल के आने वाली है, अगर वो कोई जॉब इंटरव्यू है या फिर एग्जामिनेशन का अच्छा रिजल्ट है, कोई ऐसी चीज़ है जो खुद से इस मंथ आपकी तरफ चल के आने वाली है। और कैप्रिकॉर्न अगर मैं बात करूँ तो इस मंथ में जो एल्डर्स का सपोर्ट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, यानी कि जो एल्डर का सपोर्ट है आपके जो बड़ों की गाइडेंस है इस मंथ काफ़ी ज़्यादा आपके कैरियर में फ्रूटफुल साबित होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा ये सेप्टेम्बर मंथ, बिकॉज इसमें जो एल्डर की जो गाइडेंस है जो आपको मिलने वाली है आपके बड़ों से वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको एक सक्सेस मिलती है मुझे दिखाई दे रही है इन दिस सेप्टेम्बर मंथ में। और अगर बात करूँ आपके रिलेशनशिप की तो आप काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है अपने रिलेशनशिप को लेकर उदास हो, या फिर द मून के कार्ड की एनर्जी है एंड द फाइव ऑफ कप्स की, किसी न किसी चीज़ के बारे में आप अपने रिलेशनशिप को लेकर ना सेटिस्फाई नहीं हो, मुझे ऐसा सिचुएशन फील हो रही है, ऐसी कंडीशन दिखाई दे रही है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर मैं कहूँगी बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो, फिर आपको अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे हो, आपके जो पर्सन है वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, दोनों ही एंड से मुझे जो एनर्जी मिल रही है सेप्टेम्बर मंथ में काफ़ी ज़्यादा ऐसी मिल रही है कि दोनों तरफ आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो बट स्टिल कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो, तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो रही हूँ देख के, आप लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हो, आपके जो पर्सन है उनकी मुझे एनर्जी आ रही है काफ़ी ज़्यादा दुखी आ रही, उदास आ रही, वो अलोन फील कर रहे हैं अपने आप को, यानी कि अकेलापन महसूस कर रहे हैं, किसी से कोई ना कोई ऐसी उनकी बात है जो किसी को बताना चाहते हो, आपको अपनी कोई बात बताना चाहते हैं और जो मैं देख रही हूँ इस मंथ में आपको नहीं बता पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, पर वो बताना चाहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है उनके अंदर ही अंदर ऐसी जो वो आपसे ज़रूर शेयर करना चाहते हैं पर मुझे करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सो आई होप आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट प्लीज़ टिल द सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए एंड टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।